ओवरऑल इट्स टू सो वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो आज हम जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल जगह एंड आई एम गोना व्लॉग, सो लेट्स गो. दिस व्हाट आई एम हैविंग इन माई मेकअप बॉक्स. हाय गाइस, तो यहाँ आप मुझे देख रहे हो कि मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ. सो बेसिकली मुझे मेकअप बहुत अच्छे से करते नहीं आता है एंड इस तरीके से ना मैं अपने चिन के हेयर्स भी छुपा लेती हूँ कुछ कुछ, बट स्टिल वो दिखते हैं. एंड यस, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम है प्रियल एंड आई लव मेकिंग वीडियोज़, व्लॉग्स एंड रिलेटेड टू PCOS बिकॉज मुझे 6 साल से PCOS है. एंड इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं बाहर एंड आई थॉट ऑफ टेकिंग यू गाइस विथ मी. एंड यहाँ मैंने ना ये कपड़े पहने हुए नॉर्मल से. अगर आपने मेरी प्रेगनेंसी वाला नहीं देखा है सरप्राइज वीडियो तो वो भी देख लेना. एंड यहाँ पर ना हम अपनी मल्टी से बाहर निकल चुके हैं एंड जल्दी जल्दी पहुँचते हैं. आप वीडियो में बने रहें. सो गाइज, हम ना आ चुके थे एंड यहाँ मैं ना हम लोग गाड़ी पार्क कर रहे थे एंड बेसिकली हमारे बारबेक्यू नेशन. एंड अगर आप यलहंगा साइड रहते तो ये है प्रेस्टिज प्लाजा में. सो यहाँ हम एंटर कर रहे हैं एंड यू नो आफ्टर 2 ईयर्स मेरे हस्बैंड मुझे लेकर आए बिकॉज ऑफ पैंडमिक एंड हम वैसे बैंगलोर में नहीं थे. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको छोटा सा टूर करा दूँ एंड इनकेस अगर आपका मन हो रहा है जाने का तो आप लोग भी विज़िट कर सकते हो. एंड आगे मैं आपको बताने वाली हूँ खाना कैसा था. सो बेसिकली मुझे तो इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी सब खाने की ड्यू टू आई थिंक प्रेगनेंसी की वजह से ही कि मैं एंड इतना सारा हम लोग खाएंगे. एंड अभी आपको खाना देख के बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होगा यार कितना ज़्यादा यमी यमी है. सो वीडियो में बने रहे. सो बेसिकली गाइस ना हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे क्योंकि हमारे यहाँ शाम में ना गेस्ट आने वाले थे तो हमें अपना टाइमिंग बदलना पड़ा. सो अराउंड 11:30 या 12 समवेयर हम लोग पहुंच गए थे एंड खाने में यहाँ पे दाल मखनी, पनीर मखनी, नॉन वेज में एवरीथिंग वॉज देयर लाइक मटन, चिकन, फिश करी, चिकन सूप एंड राइस एंड नूडल्स, मंचूरियन था एंड बहुत सारी. सो बेसिकली बारबेक्यू नेशन अगर आप नहीं गए हो सो बेसिकली बारबेक्यू नेशन इज़ वेरी फेमस फॉर ग्रिल आइटम्स जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ. एंड ये है चिकन सूप जो कि मैंने नहीं पिया. एंड मेरा फेवरेट कॉर्नर आता है अभी आएगा स्वीट्स का विच आई रियली लव सो मच. एंड वैसे भी जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मुझे यू नो स्वीट्स खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होती है. मैंने इतनी स्वीट्स कभी नहीं खाई जितनी मैं आजकल खा रही हूँ. सो गाइस टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आप लोग क्या क्या खाना पसंद करते हो स्पेशली स्वीट्स में. तो यहाँ पे गुलाब जामुन थे एंड हलवा था एंड ये था इनका आज का मेन्यू एंड इट वॉज यू नो लाइक यू नो 900 रुपीज़ पर प्लेट संडे के दिन. सो संडे के दिन ना कुछ ऑफर चलते हैं एंड यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या क्या लाइव काउंटर में है. डेजर्ट में कुल्फ़ी भी थी यहाँ पर. सो अब आया हमारा कैंजन पोटैटो जो कि इतना टेस्टी नहीं था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी था एंड मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगा. सो यहाँ पर मैं ना आराम से एडजस्ट होके खा रही हूँ एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा. सो गाइस पता है आपको अभी आता है मेन हमारा फेवरेट एंड अभी आया सारा ग्रिल. इसमें थी फिश था, प्रॉन थी, चिकन था, वाटरमेलन, मशरूम्स एंड वेज में इतने ऑप्शंस नहीं रहते आपके पास. तो यहाँ पर हम लोगों ने वैसे तो मैं सिर्फ चिकन और प्रॉन्स खाया मैंने क्योंकि मैं फ़िश नहीं खा सकती थी एंड मैंने वाटरमेलन भी खाया एंड टेस्ट वाइज इतना यमी था, इतना यमी. Chicken is so tasty, so yummy. Damn yum. You must visit this place. सो गाइस मीन वाइल हमने सोचा हम लाइव काउंटर पे आते तो यहाँ मेरा पास्ता बन रहा था एंड यहाँ पर मेरे हस्बैंड के लिए हम लोग लेने आए थे पानी पूरी एंड पानी पूरी वॉज टेस्टी बट काइंड ऑफ स्पाइसी. सो अगर आपको स्पाइसी वाली पसंद है तो आप बिल्कुल उसको ट्राई करना जब भी आप जाओ. एंड अभी जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मुझे इतना मन कर रहा है इसको खाने का एंड यू वोंट बिलीव जब हम ऐसी कोई जगह से आ जाते हैं ना उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है. उस समय तो लगता है पता नहीं हम कितना खा रहे हैं
सो यहाँ पर ये लोग ना ट्राई कर रहे थे, मैं बोल रही थी चलो चलो रिव्यू दो से, ही वॉज़ लाइक पानी पूरी थोड़ी ना तीखी है, बट जो तीखा नहीं खाता, जैसे हम लोग नहीं खाते, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा तीखा था वो। एंड पास्ता वॉज ओके ओके टाइप, एंड मैंने ही खाया, बाकी तो यहाँ पे किसी ने नहीं खाया। एंड बाद में ना मैंने अपनी प्लेट चेंज करके ना मेन कोर्स में थोड़ा सा लिया था, आई बट बटर चिकन एंड दाल मखनी राइस। सो दाल मखनी राइस वॉज टू गुड, बट बटर चिकन वॉज नॉट एट ऑल गुड, आई डिड लाइक दिट पर्सनली। एंड देन आता है मीठा, सो मीठा वॉज सो यम्मी, ओवरऑल बहुत टेस्टी था। एंड अगर आप विजिट करना चाहो ना तो प्लीज़ ज़रूर से विजिट करना, एंड डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। गाइस मैंने आपको कहा ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, एंड आई वॉज क्रेविंग अगेन फॉर दिस मीठा, एंड इट वॉज सो यम्मी। यहाँ मेरे एक्सप्रेशन आप देख सकते हो, सो मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है आजकल। सो गाइस बारबेक्यू नेशन गए और आपने कुल्फ़ी नहीं खाई पान वाली, तो आपने समथिंग बहुत कुछ मिस कर दिया।